लोगों ने गुंडाई देख ली, लोगों ने दंगाई देख ली, और चारों तरफ से एक ही स्वर, एक ही आवाज़ यही है कि बहन जी पांचवी बार उत्तर प्रदेश की गादी पर बैठे और सुशासन राज कायम हो। लेकिन मीडिया तो कह रही है कि बीएसपी कहीं रेस में ही नहीं है, बहन जी शांत है बिल्कुल। मीडिया किस मीडिया की बात कर रहे हो? वही मीडिया जो नोटों पे चिप्स ढूंढती है, वही मीडिया जो बिकी हुई है, वही मीडिया जो शासक वर्ग हैं, जो शासन कर रहे हैं, सरकार का एजेंट बन के पेश करती है अपने आप को। कौन सी मीडिया की बात कर रहे हो आप? पर नजर भी तो नहीं आ रहे ना आप लोग कहीं? कहाँ नजर नहीं आ रही है? कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, कार्यक्रम आपके नहीं। 24/7 बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के एक एक सिपाही लगे हुए हैं जमीनी स्तर पे। हो सकता है ये मेनस्ट्रीम जो सोकल जो एंटी नेशनल मीडिया पे ना आ रही हो, मगर आप जमीनी स्तर पे जाइए। बहन जी तो कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे ना? बहन जी के दिशा निर्देश में ही सारे कार्य हो रहे हैं। बहन जी ये 16-16 घंटे 17-17 घंटे ये सारे चीज का मॉनिटर कर रहे हैं। अभी जितने भी रिजर्व सीट हुई वहाँ पे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में प्रोग्राम हुई, वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। बहन जी की कवरे लिया हूँ अभी, जब ये जो प्रोग्राम दी है बहन जी, और उनको निगरानी, भाई लीडर जो है वो निगरानी में रखे, उनके तत्वाधान में, उनके आदेश अनुसार, उनके निर्देश अनुसार ही कार्य हो रहे हैं हर जगह पे। अखिलेश यादव तो विजय रथ लेकर निकले हुए हैं कई महीने साहब, वो तो बैसाखी के साथ भी जा रहे हैं। वो अपने बैसाखी जो हैं, जिस बैसाखी के हम लोग कह रहे हैं कि इनको लो उनको लो, उससे वोट नहीं बढ़ेगी। जिन्होंने वो दंगा 134 दंगा कर लिए भाई साहब, 1000 बच्चे मर गए मुजफ्फरनगर में, केरल में। लोग मुसलमान बहुत जागरूक हो रहे हैं, लिटरेट हैं वो लोग। हाँ मुसलमान जागरूक है, मुसलमान तो कह रहे हैं हमारे नेता अखिलेश यादव है। आप और भी मीडिया को देखिए, जमीनी स्तर पे जाइए, उन लोग शाक वंचित जो लोग हैं, चाहे पसबंदा वर्ग के लोग हैं, उन्होंने कहे कि जो हमारे दंगा फसाद में हमारे बच्चों को मार दे, वो कोई कहे कि कवर से उठाकर उनको रेप कर दे, ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं। उनको भी पता है एक भी दंगा नहीं हुआ बहन मायावती जी जब शासन काल में। अपने आप कानून व्यवस्था सुव्यवस्थित होने लगती है, कानून द्वारा कानून का राज बहन जी ही प्रस्तुत कर सकती है। मैनिटी कमीशन किसने बना के दिया? मुसलमानों को पता चल गया। उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी किसने दिया? कानून का राज कायम किया, दंगे फसल नहीं हुए। सपा क्यों दावा ठोक रही है कि मुस्लिम वोट हमारा? दावा तो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, दावा ठोकने में क्या है? मैं जो 400 से 400 सीट आएंगे मैं भी कह दूंगा, कहने में क्या है? कोई बड़ा मुस्लिम नेता नजर नहीं आ रहा है? मुड़ से बड़ा मुस्लिम नेता छोड़िए, मुसलमानों की बात करिए ना आप। देखिए जो मुसलमान है वो आ रहे हैं, स्वागत हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, कुल हिंद जमायतुल कुरैश के। लेकिन बैसाखी से आपको नहीं लगता नया पार हो जाएगा? बैसाखी से नया पार कहाँ होता है, आज तक हुआ है? ये सब दिखाने के लिए है भाई। जब जो आदमी हिलने डुलने लगता है, वीक होता है, वो उसका स्थिति गड़बड़ा जाता है, समीकरण गड़बड़ा जाता है, तब तो बैसाखी समीकरण। 19 में नहीं किया था क्या? करना अलग बात है, वो तो लोकसभा का इलेक्शन था, ये राज्यसभा है जहाँ पर चार विधानसभा का है, जो चार चार बार लोगों ने शासन देख लिए। अभी मैं मुख्य अतिथि बन के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी गया था, क्या वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई है, वाह आप देख के खुश हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बराबर ऐसा यूनिवर्सिटी अगर देश में अगर है, इन्होंने किया जो डेवलपमेंट, जो दूरदर्शिता, लोगों को पता चल रहा है ना। काम पे कहाँ वोट? व्हाट्सएप के माध्यम से काम पे कहाँ वोट मिलता है? वोट मिलता है कहाँ मिला? तो आप 22.22 पर वोट परसेंटेज है, आप सेकंड हाईएस्ट जो वोट परसेंटेज बीएसपी की है। पर सीट तो नहीं आई ना सर? सीट आना जाना वो अलग बात है, वो समीकरण हो सकता है, कहीं पे एक वोट से कोई हार जाता है तो इलेक्शन हार जाता है। आप संविधान की बात करते हैं, आपकी पार्टी संविधान की बात करती है, तमाम पार्टियां हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात कर रही है और वोट ले जा रही है। ये वो अपने तरीके से ये हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक जनता है, राजनीतिक सामाजिक रूप से साक्षर जनता है, उनको पता है कि वोट कहाँ देनी है। अब तो मुसलमानों को हिंदू भी बनाया जा रहा है, ये कहाँ ये करते जबरदस्त करके, वो उनको जबरदस्ती करके इन्फ्लुएंस करके गलत तरीके। अभी कौन से जात में लाएंगे उनको? त्यागी बना दिया उनको, बिना बाप का बच्चा और बिना जात का हिंदू हो ही नहीं सकता। तो हिंदू नहीं बने बस हिंदू जी? और यही तो बिना जात के पहले जात में लाओगे ना, जाति सत्यता है। त्यागी बना तो दिया उनको। अरे त्यागी कहाँ, वो एक्सेप्ट करेगा कोई इसको? शादी ब्याह करेगा? त्यागी बन जाने से थोड़ी हो जाता है। आप देखिएगा इसका क्या ये होगा। सर आप कह रहे हैं कि सरकार बहन जी की बनेगी पांचवी बार उत्तर प्रदेश में, लेकिन सपा में तो मंत्रालय बंटने लगे हैं अभी से ही। अभी तो वो तो उनका बस चले तो वो तो अभी भी शपथ भी ले लें चीफ मिनिस्टर की, क्या कौन रोक रहा है? कह रहे हैं 400+ जाएंगे हम लोग। नहीं वो 500+ भी चले जाएंगे, कुछ कहने के लिए तो कुछ है नहीं ना। अभी कुछ भी कहिए, मैं तो कह दूंगा मैं भी कुछ बन रहा हूँ। बात सवाल ये है कि जो सो कॉल्ड
कुछ अम्बेडकरवादी लोग गए थे वहाँ पर, उनको समझना चाहिए समाजवाद के बाद बाबा साहब अम्बेडकर कितने पहले करते थे, जब हो सकता है कि उनसे तो मिशन चलाने गए ना वो बहन जी, मिशन से भटक गए। अरे मिशन कहाँ भटक गई, उनको मिशन के बारे में कितना पता है? वो तो यही कहते हैं कैमरे पाकर हम मिशन चलाने, कहाँ है कितना पता है भाई, आपको कितना पढ़ा है, कितना पढ़े लिखे हो, कौन सा चीज पढ़ा है? आप कार्यकाल को पढ़िए, आप इंटरनेशनली जो 3332 रोड का निर्माण यही लगाते हैं गंगा, उनके जो समाज माननीय अखिलेश यादव जी खुद कह रहे हैं गंगा एक्सप्रेस वे का वो बेंजी ने किया था, जमुना एक्सप्रेस वे, ऐसा कौन सा एक्सप्रेस वे जो सबसे ज़्यादा तो जेवर एयरपोर्ट दिखा रहे हैं ये लोग हैं, बुद्धिस्ट सर्किट जो इंटरनेशनल लेवल का बनाया, जमुना एक्सप्रेस वे जहाँ पे हेलीकॉप्टर लॉन्च किया जा सकता है अगर युद्ध होगा, ऐसा किसी ने बनाया भाई? ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी, अभी एक बात पता है आपको, ये जो फीता तो अखिलेश ने काटा था, अरे फीता काटने से क्या हो जाता है, हम भी फीता लगा दें और काट दें, लेकिन अब योगी जी और मोदी जी काट रहे हैं तो अखिलेश को दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं वो फीता वो तो यही है, बस एडवर्टाइजमेंट करो, चेहरा सजाओ, सेनो पाउडर लेके लगा के जाओ, चेहरा चमकाओ, क्योंकि मीडिया वाले वहाँ पे आपको दिखाएंगे, जबरदस्ती 2-3-4 करेंगे। ये सब जिस तरह से बंगाल के अंदर इनको हार प्राप्त हुई, ये जो बड़े बड़े बवंडर कर रहे थे, फेंक रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और जिस तरह से वेस्ट बंगाल के जनता ने उनको भगाया, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की आपका मुकाबला किससे, बीजेपी से सपा से? हमारा जनता मुकाबला किसका, उनके साथ किसी का पिए हैं कि वो सब मिल गए हैं? अब जो ही जो भाषा बीजेपी कहती थी, अब आप ये बताइए बिना गुंडों के आप दंगा कर सकते हैं? बिना गुंडों के दंगा नहीं कर सकते, दंगा कराया गया, एक भी आदमी के ऊपर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए अखिलेश जी, तब जाके उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की एंट्री, बीजेपी का स्वागत किसने किया? अखिलेश जी ने और समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने स्वागत किया, मुलायम सिंह जी उन्होंने आशीर्वाद दिया, अभी भी योगी को जाके आशीर्वाद देकर आए, मोहन भागवत से मिले अभी, उनको पता है दंगों के भरोसे ये दोनों पार्टियां चलती है। पर वो तो ये कहते हैं बीजेपी वाले करते हैं ना दंगा, कौन बाकी सारे तमाम कार्य करते हैं भाई? 2012 में सरकार किसकी थी? अखिलेश यादव थे। कानून व्यवस्था किसके देखभाल में हो रही थी? आपके। तो आपने दंगा नहीं रोक पाए, और बहन जी के शासन आए, दंगा कोई ईंट भी उठा ले तो मान जाऊंगा, यही यही अंतर है। पर लोग समझने को तैयार नहीं ना, वो तो यही कहते हैं विकास को वोट देंगे, बहन जी के कार्यकाल को देखे हैं, मैंने बार बार कह रहा हूँ दंगाइयों को और गुंडाइयों को देख लिए हैं, अभी लोग विकास चाहते हैं। तो लैपटॉप तो अखिलेश ने बांटे ना, लैपटॉप हम तो युगार, बहन जी आएगी तो रोजगार मिलेगा उनको, सफाई कर्मी को जो हम गए थे राष्ट्रीय मजदूर संघ के जो लोग आ रहे हैं, हर समाज के वर्ग के लोगों को हमने जोड़ने का काम किया, छोटा सा प्रयास किया, उसी माध्यम से लोग रहे हैं। आगरा मंडल, कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, जो मार्जिन वोट है वहाँ पे जो होता है वाल्मीकि समाज का, उनको पता चल गया 1,26,000 नौकरी दिया था बहन जी ने, आज उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने लिखने ताकत हो गया, पक्के नौकरी होने के बाद वो 50,000 का उनको सैलरी मिल रही है, उससे उसके माध्यम से 1,26,000 का हिसाब कर लिया, 5-5 सदस्य अगर होंगे, 6 सदस्य होंगे तो 6-7-8 फैमिली अच्छे से चल रहे हैं, तो लोगों को पता चल गया इसका। भीड़ तो अखिलेश की जयंती की रैली में आ रही है, कहाँ आ रहा है, कौन सा भीड़, आप बहुजन समाज पार्टी के भीड़ में देखिए, वही उससे ज़्यादा भीड़ आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ये एक अलग बात है। अभी बीजेपी का आईटी सेल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी को दिखाएंगे तो मुसलमानों का डर हिंदुओं को दिखाएंगे, ये सबसे बड़ी साजिश है। क्या अखिलेश यादव किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे, ये अखिलेश जी को पूछा जाए? नहीं, आपकी नज़र में लगता बनाएंगे? मुझे अगर जयंत को डिप्टी सीएम को ऑफर दे रहे हैं, शासन सुशासन की बात है, मुसलमान समाज चाहता है कि उनको कानून का राज मिले, शांतिपूर्ण तरीके से रहने दिया जाए, उनके ऊपर झूठे मुकदमा ना किया जाए, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, ये काम माननीय बहन जी कर चुकी है, उनके प्रवक्ता भी जो है मुस्लिम समाज के आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लोग सम्मान करना शुरू कर दिए हैं कि भाई बहन जी का राज आने वाली है, कि चारों तरफ से यही माहौल है, चाहे ओबीसी वर्ग मंडल कमीशन लागू के नेता तो पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सर, पार्टी कौन छोड़ के जा रहा है, ये पार्टी बेस, ये जो लीडर बेस पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता बेस पार्टी है, एकमात्र नेता माननीय बहन जी है, बाकी सब छोटे छोटे कार्यकर्ता है जो दिन रात वो 20 एकमात्र पार्टी है जिनका काम हमेशा 24/7 जमीनी स्तर पे होते हैं। नेता जाता वोट नहीं जाता बीएसपी का ना, अभी वोट कहाँ जाएगा, बहुत आए अकेला खाली जाता, अरे बहुत आए बहुत गए कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये फैक्ट्री है बहुजन समाज पार्टी नेताओं की फैक्ट्री है, एक गया तो 1,000 नेता पैदा हो जाएंगे, ऐसा कौन सा, अभी तो एक मात्र बहुजन समाज पार्टी ऐसा पार्टी है जिसमें हर जात जमात के लीडर हैं यहाँ पर और लीडर बनाती है, अब जहाँ यहाँ से हटने के बाद अब औकात देख लीजिए, उनको नाप लीजिए, इनका हाइट साइज देख लीजिए, वजन कितना हो रह गया है, अब जाके पता करिए। मिशन चला रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं, कौन किसके बात में कर रहे हैं, मिशन चला रहे सारे जाके दूसरी पार्टियों, नहीं नहीं जय भीम तक नहीं बोल पा रहे मंच पे। अरे अभी जो संविधान बचाओ रैली किए थे अखिलेश यादव जी, जय भीम कहा,
गदा उठा रहे हैं वो तो। अरे जय भीम बोला, कहाँ बोलते हैं? अरे हम पूछ रहे हैं, जय भीम बोला। और जो जो हमारे माननीय सदस्य वहाँ पर मौजूद थे, प्रकाश अम्बेडकर, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी बनाएगी? अब तो वो तो बचा कुचा जो नाम था छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक, उनका नाम भी चेंज करा। आपने रैली का जिक्र किया, उस रैली में अखिलेश यादव को बुलाया, तमाम दलित नेता जो संविधान की दुआई देते हैं, और सबसे पहले रिजर्वेशन पदोन्नति में जो बिल आने वाला वो समाजवादी पार्टी ने फाड़ा। अभी तक माफी मांगा पार्टी ने? आधिकारिक रूप से पार्टी ने बुला लिया। अत्याचार हुए, डिमोशन इतने लाखों में हुआ जो कर्मचारी का, SC ST का, हाँ ये हुआ, उसके ऊपर माफी मांगे? मैं पूछना चाहता हूँ कि उसका स्टैंड किया है आपने, उसके ऊपर नहीं बोला? आप जय भीम भी नहीं बोलते हैं तो ये सर सबसे, और माना जाए तो समाजवादी नीतियों का सबसे ज़्यादा अगर काम किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है।